नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मेरे पास आप सभी स्टूडेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आपके साथ शेयर करना है। 2-3 स्टेट के काउंसलिंग का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है और इस वीडियो में उसी के रिगार्डिंग मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। तो पहला इन्फॉर्मेशन मुझे आप सभी के साथ शेयर करना है, वो राजस्थान के स्टेट कोटा के काउंसलिंग के लिए है। तो यहाँ पर अगर आप राजस्थान के हो या राजस्थान में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। राजस्थान के स्टेट कोटा का काउंसलिंग ऑनलाइन रहेगा। उसकी स्टार्टिंग डेट 17 जून 2019 यानी 17 जून यानी आज से ही उनकी काउंसलिंग जो है शुरू हो गई है। गवर्नमेंट और प्राइवेट डेंटल और मेडिकल कॉलेज के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन उसी के ऑफिशियल वेबसाइट में आपको मिल जाएगी। उसका ऑफिशियल वेबसाइट है rajneetug2019.rajasthan.gov.in। उसकी दूसरी वेबसाइट है education.rajasthan.gov.in/medical-education और यह रजिस्ट्रेशन जो है 17 जून 2019 से शुरू हो गया है। ध्यान रखिए, राजस्थान का जो स्टेट कोटा है उसमें सिर्फ राजस्थान के डोमिसाइल स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। और अगर आप बाहर के स्टेट के स्टूडेंट हो यानी आपके पास राजस्थान के स्टेट का डोमिसाइल नहीं है तो आप राजस्थान के स्टेट में एडमिशन ले तो पाओगे लेकिन सिर्फ NRI कोटा में, और NRI कोटा में फ़ीस जो है डबल से ज़्यादा रहेगी। यह ध्यान रखिएगा आप सभी फॉर्म फिल करें उससे पहले। उसके बाद दूसरा इन्फॉर्मेशन गुजरात के स्टेट के बारे में है। गुजरात के स्टेट में भी काउंसलिंग जो है 17 जुलाई 2019 यानी आज से ही शुरू हो गई है। पिन परचेज जो है आप एक्सिस बैंक से आपको अवेलेबल हो जाएगा गुजरात स्टेट के स्टूडेंट के लिए। इसका स्टार्टिंग डेट 17 जुलाई यानी आज से ही है और जो लास्ट डेट है 23 जुलाई 2019 को है। गुजरात के स्टेट कोटा में राजस्थान की तरह ही अगर आप गुजरात स्टेट कोटा के डोमिसाइल हो तो ही आप गुजरात के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है यानी अगर आप कोई दूसरे स्टेट से हो तो आप मैनेजमेंट कोटा या NRI कोटा में एडमिशन ले पाएंगे। अब ये दोनों कोटा में फ़ीस जो रहती है डबल से ज़्यादा होगी। तो ध्यान रखिए, पूरा डिटेल्स जो है चेक करें और उसके बाद ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हो तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उन्हें दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।